एक दिन मैं बैठी बैठी बोर हो गई, मैंने कहा शादी करें। तो बोले ठीक है, कब करनी है? आज 17 है, 20 को कर ले। 20 को? अच्छा ओके फाइन, मतलब शादी हो रही थी हम लोगों की। हमने जाओ अपने बाप को बोलो, मैं अपनी माँ को बोलती हूँ। ये गए, सेकेंड डे हमारे पर बॉम्ब गिरता है कि आप किस कसम की शादी कर रहे हैं। तो हमको खुद नहीं मालूम था कि हम किस कसम की शादी कर रहे हैं। तो उनके डैडी ने बोला भाई फेरे होंगे, मेरी माँ ने बोला निकाह होगा, फिर हम फंस गए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है एक काम करते, दोनों को नाराज़ नहीं करते, सुबह फेरे फिर लेते हैं और शाम को निकाह कर लेंगे। बड़े हम लोग खुश होकर वापस गए अपने अपने घर। बोले भाई हमने कमाल डिसीजन लिया है यार, सुबह हम फेरे कर लेंगे और शाम को निकाह कर लेंगे। तो मेरी माँ ने बोला मतलब क्या है तुम्हारा, ये माँ भी छेड़ देगी। देखो मम्मी अब क्या है, उनको भी खुश है आपको भी खुश है। तो खैर मेरी माँ ठीक है। इनकी डैडी बोले नहीं मजाक हो जाएगा, ये एक ही टाइप की शादी करो। तो अब मैं भड़क गई कि नहीं भाई अब होगी तो फिर निकाह ही करो एक ही टाइप में। तो अभी बोले नहीं फिर ही करो, वापस कैंसिल हो गई शादी एक दिन पहले। फिर हम लोग बोले हम लोग इन लोगों की जिद में हम लोग क्यों मर रहे हैं यार, यू नो। तो हम लोग बोले ठीक है हम रजिस्टर मैरिज करेंगे। बस एक दिन पहले डिसाइड हुआ, दूसरे दिन गए, पता नहीं किसकी ड्यूटी लगाई, वकील को लाओ, रजिस्ट्रार को लाओ, इसको लाओ, उनको किडनैप करके लाया गया। और शादी हो गई, कोई इन्विटेशन नहीं छपा, किसी को बुलाया नहीं। रात को मैंने 4-5 लोगों को फ़ोन कर दिया जो मेरे फ्रेंड्स थे, और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब जैसे मज़हब की प्रॉब्लम है कभी नहीं है, और मैं अपना मज़हब फॉलो करती हूँ। बिंदु वैसे नास्तिक है, यू नो, वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता। और जहाँ तक मेरे इन लॉज हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब अभी रमजान था मैंने रोजे रखे थे तो वो इफ्तार बना के खुद लेके आती थी। आप पहली बार विंदु दारा सिंह से कब और कहाँ मिली? थिएटर में। मम्मी हैदराबाद गई हुई थी और तब्बू घर पे थी, और कुछ सेकेंड संडे था या कुछ ऐसी था, तो मैं भी घर पे थी। तो तब्बू मुझे बड़ी इरिटेट करी थी कि आप जो है 24 घंटे तो शूटिंग करते हो, घर में नहीं रहते हो, और रहते भी तो सोते रहते हो, तो आप मुझे कहीं बाहर लेके चलो। मैं उस लाइक अभी कहाँ जाओ, तो नहीं नहीं आप चलो पिक्चर देखने चलते हैं। ऐसा ठीक है, कौन सी पिक्चर? क़यामत से क़यामत। तो खैर बड़ा डिस्गाइज में हम लोग पिक्चर देखने गए। उधर गए तो टिकट नहीं मिला, तो वो बोले अब मुझे पिक्चर देखनी है। ऐसा नहीं, अभी मैं जाके कोई मैनेजर से बात नहीं करूँगी, पूरी थिएटर को पता चल जाएगा पराई है और क्योस राइट्स हो जाएंगे, मैनेजर वापस चलो। हम सडनली तब बोला अरे एक मिनट, हाय बिंदु हाय ये वो। तो मैं बड़ी टेंशन में, मेरी बहन किस लड़के से मिल रही है यार। तो वो आया तब उसे कुछ बात की, और मैं बड़ी अपनी गाड़ी में से निकल के देखने लगी कि ये क्या है। तो फिर ये आई तब्बू, फरावा जी ये विंदु हैं और ये मेरे क्लासमेट हैं और ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। सर हाँ ठीक है, हेलो हेलो। तो तब्बू ने बोला हम जा रहे हैं वापस, हमको टिकट नहीं मिला है। सर रुक जाओ मैं लेके आता हूँ। एंड वो भागा तोड़ा, पता नहीं ब्लैक में लिया क्या किया, एंड ही गॉट द टिकट। सर मैम प्लीज़। सर चलो ठीक है, वो हो गया उसके। वो फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली, एंड उसके एक आध महीने के बाद आई वाज शूटिंग। और उस इनकी क्लास जो थी वो मधुमती की क्लास थी, जहाँ पे ये लोग डांस सीखते थे, तब्बू विंदु इनका पूरा बैच था। तो मेरी पिक्चर में एक लड़का काम कर रहा था जो इनकी क्लास का लड़का था, तो उसको मुबारकबाद देने के लिए उनकी पूरी क्लास आ गई थी। एंड ही सेड हाय। तो मुझे लगा मैंने इसको कहीं देखा है, तो इतना यू नो ऐसा मिल रहा है। तो मैंने बोला हाय, तो कैसी हैं आप? एंड ही वाज लाइक, और मैं बोली मुझे भूलने की आदत है और ये मैं कहीं भूल गई हूँ, और इस लड़के को मतलब जानती हूँ, मुझे इतना अच्छी तरीके से मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, बारिश वारिश हो रही थी तो मैंने रूम में अपने रूम में बिठा लिया, मेकअप वेकअप करे। एंड पूरी उनकी 25-30 लोग थे, तो उनको शहर में मिल गई थी। एंड सेट तो हम लोग शादी कब कर रहे हैं? आई वॉज लाइक कौन शादी, आप कब शादी कर रहे हैं? हम दोनों? आई वॉज लाइक के यार बच्चा है ऐसा नहीं हूँ करके मैं खामोश हो गई। तो नहीं नहीं आई एम सीरियस, हम लोग कब शादी कर रहे हैं? मैं और मेरे कजन्स हम लोग डिस्को गए, तो ये लड़का ये विंदु था, एंड बड़ा मुँह सोचा कि आपने मेरी इंसल्ट कर दी, और मैं अपने पूरे दोस्तों को लेके गया था कि देखो फरा आने वाली है और मेरा अफेयर चल रहा है। सर तुम पागल हो, मैं तुमसे एक बार मिली हूँ और मैं कैसे अफेयर अफेयर कर लूँ, तुम हो कौन? खैर वो पीछे पड़ गया, मैं आँख खोलती थी और तब्बू को पटाना चालू किया कि आई एम इन लव विद योर सिस्टर। और तब्बू भी आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते मुझे बोलती विंदु अच्छा लड़का है, तो मैं क्या करूँ? वो इतना मेरे पीछे पड़ गया, तो वन फाइन डे आई गेव इट अप ऐसे रखे। और आपके प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स मतलब उनका क्या रिएक्शन था वंस यू गॉट मैरिड? सब कई तो खास रिएक्शन नहीं था, उनको लगा कि अभी इसको नहीं लेना चाहिए पिक्चरों में, यू नो प्रेग्नेंट हो जाएंगी या बच्चे हो जाएंगे, फैमिली प्लान करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो। और उनका भी सोचना बिल्कुल सही है
क्योंकि अब आदमी बनाता है 1 करोड़ रुपए की पिक्चर बनाता है, 1.5 करोड़ रुपए की पिक्चर बनाता है, उसमें बीच में एकदम हीरोइन आपकी प्रेग्नेंट हो गई, 6 महीने लीव, तो आदमी का इंटरेस्ट पैसों पे कितना हो जाता है, काम रुक जाता है। तो जाहिर बात है जब तक आदमी श्योर ना हो कि भाई ये इसने कहा है कि मैं 4 साल या 5 साल बच्चे पैदा नहीं करूँगी और मैं सीरियसली काम करूँगी, तो जब तक आदमी श्योर ना हो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करती कि मेरी शादी के बाद मेरे पास कम ऑफर आ रहे हैं, हर जगह ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा हुआ हुआ है कि लोग बोलते हैं, काफ़ी हीरोइनों ने कहा है कि हम नई फैमिली प्लान करें और बीच पिक्चर में पता चलता है कि गड़बड़ हो गई। सो आई डोंट ब्लेम देम। शादी के बाद आपने अपना फिल्मी करियर क्यों छोड़ दिया? मैंने छोड़ा भी नहीं, यू नो, और मैंने कम कर दिया, क्योंकि अब मुझे उतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और अब जाके लगता है कि हाँ भाई बहुत कुछ कमा लिया है, अभी थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हैं, जो लाइफ में इतनी सीरियसली की नहीं है, तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। और बिंदु के जहाँ तक वो है समय, मेरी मेन प्रायोरिटी तो वही है कि बिंदु कुछ बन जाए, बिंदु अपना नाम कमा ले, एक पोजिशन कमा ले। वैसे तो सब कुछ है हमारे पास, ये नहीं कि पैसे के लिए हमको काम करना है, लेकिन एक आदमी का एम्बिशन जो होता है, जो बिंदु का बचपने से था कि मुझे हीरो बनना है, तो उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। क्या आप आने वाले समय में कोई फिल्म करेंगी? करूँगी, लेकिन अच्छी फिल्में करूँगी। आपके इस करियर से कुछ, अब आप क्योंकि एक ज़रूरत की वजह इस करियर में आई थी, आप इस लाइन में आई थी, आप अपने अपने करियर का कुछ सोचा है, आप किस तरफ से ले जाएंगी आप? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और ना ही तो मैंने पहले कभी सोचा था कि ये पिक्चर हिट हो जाएगी तो मेरे लिए फ़ायदा है या मैं प्राइस बढ़ाऊँ, कभी मैंने कोई चीज़ प्लान नहीं की, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ प्लान करती हूँ हमेशा उल्टा हो जाता है। तो मैंने छोड़ दिया है, जो होना है वो तो होएगा, तो काम करो, घर आओ, आराम करो, हंसो, खेलो एंड ऐश करो। बिंदु जी के करियर में आप उनकी कैसे मदद कर रही हैं? जितना भी, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ वो, जैसे कि खैर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा टाइम दे दूँ, जैसे बिंदु के थोड़े कॉस्ट्यूम्स बना लिए, बिंदु को अच्छी फिल्में दिखाई, यू नो, और फिर जैसे PRO का ज़्यादातर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं इतने साल रही और जर्नलिस्ट की पेट रही, तो क्योंकि मेरे हमेशा इंटरव्यूज़ भी ऐसे फायरी फरा और इस किस्म के इंटरव्यूज़ आते थे, तो सब लोग जानते हैं, तो जर्नलिस्ट जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे, वो लोग काम बेचारे मेरे लिए कर रहे हैं, एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बिंदु जी ऐसे हीरो फिल्मों में आ रहे हैं, तो आप उनके साथ हीरोइन क्यों नहीं आई? इसलिए क्योंकि बिंदु की फर्स्ट फिल्म है और मैं एस्टैब्लिश हूँ, और मियाँ बीवी होने के बाद, यू नो, शादी के बाद पूरी दुनिया को तो मालूम है कि मैं बिंदु की बीवी हूँ, और जब हम लोग स्क्रीन पर रोमांस करेंगे, यू नो, तो पब्लिक डाइजेस्ट नहीं करती है सब चीज़ों को, और अगर मैं ऑडियंस होंगी तो मैं भी देखना नहीं चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ स्क्रीन पर डांस कर रहे हैं या रोमांस कर रहे हैं, या जब तक वो एस्टैब्लिश ना हो। अगर बिंदु कल के दिन इंशाल्लाह एस्टैब्लिश हो जाता है तो मैं ज़रूर काम करूँगी उसके साथ, लेकिन फर्स्ट फिल्म में मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या आप डायरेक्शन में भी आना चाहेंगी, कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगी? हाँ, इच्छा है, लेकिन अभी नहीं, अभी 1-2 साल और, उसके बाद करूँगी, डायरेक्ट करूँगी। अच्छा, पता नहीं कैसी होगी, मारम पीटी तो होगी उसमें, लेकिन आगे मालूम नहीं। मैंने ऐसे 2-4 स्क्रिप्ट तैयार की हैं खुद से, और मुझे मालूम है मैं कर सकती हूँ, लेकिन टेक्निकल चीज़ें अभी तक मैं अच्छी तरह से जानती नहीं, तो जब तक मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाऊँ मैं शुरू नहीं करूँगी, और जिस दिन मुझे लगा कि मैं करूँगी, कर सकती हूँ आज से, तब मैं शुरू करूँगी। बचपन में कैसे परिवार में आपका पालन पोषण? मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास में मिलेंगे आपको। मेरी मम्मी टीचर थी और उनकी तनख्वाह थी कुछ 125 रुपये, और मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और हमारी माँ ने हमको पाला, तो स्कूल के बाद वो ट्यूशन करती थी, कुल मिला के उनको 200 रुपये मिल जा रहे थे और उसमें हम लोगों का गुजारा हुआ। तो जब मैं बॉम्बे आई तो फरा फरा हो गया कि यश चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी लड़की ली है और खूबसूरत है और ये है और वो है, अब अच्छी एक्ट्रेस है, फलाना धमाका। तो मेरी मेन स्ट्रगल तो तब चालू हुई, पिक्चर तो मुझे आसानी से मिल गई थी, लेकिन मैं हार्डली 15-16 साल की थी, और उस एज में बहुत कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं आदमी को कि यार ये तो लड़की जो दूसरी न्यू कमर आई थी टेस्ट देने, वो तो बड़ी डेक्टअप होके आई थी, ना ये कपड़े, वो मेकअप और फलाना, और मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम लिपस्टिक तब लगाई थी मैंने,
और मैं आधा घंटा अपना मुंह ऐसा करके बैठी थी ताकि ना लिपस्टिक मिट नहीं जाए मेरी। मैं स्टूडियो में एक पिक्चर का सेट लगा था, युद्ध का, बहुत बड़ा सेट था और उसके बड़े चर्चे हो रहे थे और मैंने लाइफ में सेट नहीं देखा था। तो यश जी का पूरा स्टाफ था, है ना, असिस्टेंट्स थे, हीरो भी था रोहन। मैंने सेट फरा, तुमने सेट देखा है आज तक? मैंने कहा नहीं। बोले चलो देखते हैं, अपना रिकॉर्डिंग पे टाइम है, ऐसा चलो। और मैं जाके सेट देखने लगी एंड आई वाज कि भाई ये सब है, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है, आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड। तो एक आदमी आया, पता नहीं वो आदमी कौन था, मैं उसको बहुत ढूंढी, मुझे मिला नहीं। और आके उसने जो असिस्टेंट थे यश जी के, उनसे कहा कि यार सुना यश चोपड़ा ने बहुत अच्छी लड़की साइन किया है, शी इज टैलेंटेड और ये वो। तो उन्होंने हाँ हाँ अच्छी है, मिलाओ यार हमको भी लड़की से मिलाओ। बोले मेरे यहाँ यही है ना फरा आदरा, ये फलाना फलाना है एंड शी इज फरा। वो आदमी ने मुझे मेरे फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी, मतलब उसका जो अंगूठा होता है वो निकला हुआ था। अब उधर स्टे कर गया और फिर वो वापस ऊपर देखा एंड ही सेड ये यश चोपड़ा की हीरोइन है। और उसके जो बाजू थे एकदम विलनिश टाइप की ही जो होती है हमारी फिल्मों में, वैसी वैसी हो गई। एंड मुझे रोना आ गया यार कि मैं तो क्या हो। और मैं घर आ गई और मैं रोई उधर बैठ के कि अभी मैंने बोला ठीक है भाई मेरे पास नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद जब मैं स्टार बनी, जब मैंने पिक्चरें की और मेरे पास पैसा बहुत आ गया, तो मैं रोज़ाना कपड़े अच्छे पहनती थी और नीचे रबर की चप्पल पहन के शूटिंग पे जाती थी और जितनी भी अच्छी चप्पलें होती थी वो मैं अपने घर में सजा के रखती थी। यश जी से मैंने बोला था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एक पैसा था, आप मुझे एक साथ नहीं देना, आप मुझे महीना जैसा तनख्वाह देते हैं वैसा दे देना, 500 रुपये मुझे महीना दे देना। सर ओके। और 500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसमें से मैं 300 रुपये अपनी माँ को भेजती थी मनी ऑर्डर करके और 200 रुपये अपने लिए रखती थी। एंड आई वॉज स्टेइंग विद शबाना और बस अपना जो भी साबुन तेल ऑटो भाड़ा जो भी होता था, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। मैंने मेरी जो एम्बिशंस थे घर के, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, सब हो गया, मम्मी सेटल्ड हो गई। और मुझे शादी भी जल्दी करनी थी क्योंकि मेरी माँ ने बोला था कि ज़िंदगी भर तो काम नहीं करना है, तुमने बहुत यंगस्ट मतलब उसमें काम चालू किया है, यंग उम्र में काम चालू किया है। तो मैंने शादी कर ली और मुझे मेंटल सिक्योरिटी चाहिए थी और मैं बहुत यू नो आई वॉज वेरी फिकल माइंडेड कि पल में तोला पल में माशा कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी सब चीज़ों से।